पीपल्स पार्टी कहेगी हमारे सैलाब में गुजर जाते हैं, नून लीग कहेगी हमारे धरने में गुजर जाते हैं, जो मर्जी कहते रहे और उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ कामयाब हो चुकी है। हमने काम भी किया, पंजाब हुकूमत ने वो नहीं किया, एक इदारा ऐसा नहीं दिखा अभी जिसने आर्मी और फौज के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हों, आज वो कहे जा रहा है वो तो फौज आज भी एस्टेब्लिशमेंट के सारे भी आकर खड़े हैं। इसमें क्या ख्याल है कि उनकी इस एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई होगी कि वो बयान दे दें और सिर्फ इसलिए दे दें कि इमरान खान बयान दे रहे हैं तो वो भी इनके खिलाफ दे दें? ये कहना कि हमने कुछ किया नहीं इन सालों में, ये ज्यादती होगी। जायज जायज नाजायज कामों में उलझाते फिर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए, जानबूझ के इलेक्शन डिले किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो गई मगर अभी तक पीटीआई के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। पीटीआई के सीनियर वकील अजहर सदीक ने आज लाइव शो में एस्टेब्लिशमेंट को पूरी कौम के सामने बेनकाब कर दिया और ऐसे इंकशाफात किए जिसे सुन के आपके होश भी उड़ जाएंगे। आए पहले अजहर सदीक की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये बताइएगा कि मंशूर और प्रोग्राम्स किधर हैं? प्रोग्राम तो आपके पास भी कोई नहीं है सिवाय ये कहने के कि हमें कैसे निकाला गया, क्यों निकाला गया। आपके पास इकोनॉमी को बेहतर करने का या मुल्क के जो मसाइल हैं, जेन्युइन जो अवामी मसाइल हैं, उसको हल करने का कोई रास्ता आपने अभी तक नहीं दिया सिवाय इस बात के कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और आप पावर में आ जाए। नहीं नहीं आदिल, बहुत शुक्रिया आपका। पहली तो बात है कि आप सिर्फ इतना देख लें कि इमरान खान साहब को जमीन पे पाकिस्तान तरीके साहब को दबाने की कोशिश की, वो वर्चुअल जलसों में आ गए और वर्चुअल जलसा पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, खुद मैं ही बैन अल-अक़वामी अखबारी जरीदे मान रहे हैं कि 4.5 मिलियन 45 लाख लोगों ने इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए को सुना, जांचा, परखा। वो एक अलहदा बात है कि पाकिस्तान में आपने पाबंदियां लगा दी, ये निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत के दौर में ये सारा कुछ जितने भी कोशिशें पहली तो बात आपकी जितनी स्पीचेस हुई हैं, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट फॉलो इट, लेकिन मुझे ये बताएं कि किसी एक ने जो आपके इल्म में हो कोई इकोनॉमी पे, मईशत की बेहतरी पे, जो पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं, इस पर कोई गुफ्तगू की है? लेकिन देखें, ये पहली तकरीर थी, पहला तजर्बा था ताकि लोगों को एंगेज किया जाए और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी है। बाकी हर सब्जेक्ट के ऊपर पूरा पेपर वर्क कंप्लीट है, मैं चूंकि मुझे कुछ चीजों का अंदाजा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, जहां तक इकोनॉमी की पोजीशन है, इमरान खान ने कोरोना के दिनों में जो इकोनॉमी की पोजीशन रखी है बावजूद एतराजात पे और इल्जाम के, उन्होंने बेहतरीन तरीके से हैंडल किया। उस वक्त मुल्क में जो इंडस्ट्री तरक्की कर रही थी ना, वो आगे जाएगी। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये बात फिर वहीं पर आकर जाकर रुक गई है। आप जो बात कहते हैं फिर पीएमएलएन भी वही क्लेम लेती है और यही रास्ता सियासत का आप लोगों के पास सबके पास बचा है और कोई रास्ता बचा नहीं है। अब आप कहते हैं 2022 में हमारी हुकूमत गिरा दी, वो भी कहते हैं 17 में हमारी चलती हुकूमत गिरा दी। आप कहते हैं हमने 6% जो है वो ग्रोथ पे छोड़ा, वो भी कहते हैं हमने 6% ग्रोथ पे छोड़ा। और अब सियासी जमातों के पास जो है, जैसे अभी चांडियो साहब बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है जो प्रोजेक्ट्स वो बता रहे हैं अगर जलसों में ये बताए जाएं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये नहीं बताया जाता, ज्यादातर यही बताया जाता है। चलो टॉक शो में सवाल हो सकता है लेकिन जलसों में तो सवाल नहीं होता, जलसों में तो आप खुद तकरीर लिख के करते हैं। सो इस सियासत को जो है ये तो वही बैक टू स्क्वायर वन पे है सारा मामला और विशेष साइकिल है, उसी में हम घूमे जा रहे हैं, इसका तो कोई हल नहीं निकला। अच्छा, आपने पहले जवाब दे दिया कि 40 सालों के प्रोजेक्ट ने इस मुल्क को क्या दिया है। इमरान खान के पास तो 3.5 साल है ना, एक सूबे की हुकूमत से आप पूरे मुल्क का हुकूमत नहीं कह सकते है। उस सूबे की आज तक जितनी डेवलपमेंट हुई है रिकॉर्ड के ऊपर है, तो 40 साल प्रोजेक्ट में आज हम बैक टू स्क्वायर वन खड़े हैं। सर, तैयारी तो 26 साल से थी ना, टीम तो 26 साल से बनाई हुई थी। देखिए, जब आप हुकूमत आए 3.5 साल में, आपके 2.5 साल तो कोरोना में गुजर गए हैं। मैं ये बात नहीं करना चाहता, मैं तो देखिए, मैं तो आदिल, पीपल्स पार्टी कहेगी हमारे सैलाब में गुजर जाते हैं, नून लीग कहेगी हमारे धरने में गुजर जाते हैं, जो मर्जी कहते रहे आप 40 सालों से शक्लें बदल के मिसाके जमहूरियत की शक्ल में आते रहे हैं, तो ये जवाब कोई नहीं है। अब 85 वाला प्रोजेक्ट चल नहीं सकता है, जरा समझना पहले। एक तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि 8वीं धमाके का सेहरा जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के पास जाता है, और मैं जो कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल पड़ा हुआ है, हेनरी किसिंजर के अल्फाज याद है, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो ये क्रेडिट सारा जो है जुल्फकार अली भुट्टो साहब को और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है, जो मानने वाली बात है। मियां नवाज शरीफ का इसलिए जाता नहीं है, उन्होंने उसके एडवांटेजेस बहुत लिए। आपको पता है फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कब आया था, जब डॉलर फ्रीज कर दिया गया, फिर पैसा वाइट कैसे हुआ। मैं उनकी तरफ भी नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ 3-4 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ जो समझ की बात है। वो जो कुछ कह दिया, गौर अयूब ने कह दिया, हमने रोग आर्मी सुन लिया, हमने कारगिल का सुन लिया, आज नवाज शरीफ फिर वहीं का वहीं खड़ा है। आप जरा सोच सकते हैं कि ऐसा आदमी जिसने आर्मी और फौज के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हों, आज वो कहे जा रहा है वो तो फौज आज भी एस्टेब्लिशमेंट के सारे भी आकर खड़े हैं, इसमें क्या बात है? इसीलिए तो बेचारे बयानियां बनाते फिर रहे हैं। समझना ये है कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। आपने बड़ी जबरदस्त बात किया, आई मस्ट अप्रिशिएट। मैं 5 जून से कह रहा हूँ
मुल्क को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। एक सियासी जमात को आप फॉरनर के साथ लगा के आप कहते हैं कि मुल्क आगे चले, ऐसे नहीं मुल्क जाया करता आगे। आप चाहते हैं, कहा जाता है हमें आगे नहीं बढ़े, हम आगे हम तो भी सीधा, आप एक सियासी जमात को कॉर्नर पे लगा रहे हैं, आप बैठ के नाजायज जाए नाजायज कामों में उसे उलझाते फिर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए, जानबूझ के इलेक्शन डिले किए गए, एजेंडा इज देयर। यानी यहां तक ये बात है ना, ये तो अब जुबानी बात है ना, तो हमें तो टाइम कितना दिया गया, टाइम आप दें, बाकी तो 85 वाले प्रोजेक्ट पिछले 70 सालों से 40 साल से चले आ रहे हैं। 10 साल आपके पास केपी में हुकूमत रही है, वहां का भी एक वो है। मुझे जरा आमिर साहब की तरफ जाना है। सर मैं आता हूं आपकी तरफ, जरा तफसील से बात करेंगे, क्योंकि आप बेशक इस पर कमेंट कीजिएगा। मियां साहब वापस इंतखाबी अखाड़े में आने के लिए आमिर साहब अब कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर मौजूदा पे नहीं तो जो माजी करीब में एस्टेब्लिशमेंट है उस पर, या 90 की दिहाई की जो एस्टेब्लिशमेंट है उस पर, उसके जरिए अपने बयानियों को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो उनका मुखालिफ है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाकर तमाम तर अपनी बुरी कारकर्दगी पर पर्दा डालकर पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहा है। सो मियां साहब को भी इसी रास्ते को क्यों लेना पड़ रहा है, क्या एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां मजबूरी बन गया है? देखें आदिल साहब, जब नवाज शरीफ ने जब वो गुजरांवाला में नाम लिया जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का, एक बयानिया आया, एक उन्होंने लंदन में लिया, दोबारा पहला भी लंदन से लिया था, दूसरा जब डिपार्चर डेट आ रही थी उस वक्त उन्होंने अपने लोगों से खिताब लाहौर में करते हुए ये लिया। यहाँ पे एक बहस शुरू हो गई कि जी वो शहबाज शरीफ वहाँ चले गए और फलां हो गए। आप और हम इन प्रोग्रामों में मुख्तलिफ जगहों पे बात करते रहे, मेरी एक ही बात थी कि नवाज शरीफ चेंज नहीं होंगे। नवाज शरीफ ने जब 21 को जलसा किया, उन्होंने उसमें भी एक हल्का फुल्का बराह रास्त मैसेज दिया। क्या ख्याल है कि उनकी इस एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई होगी कि वो बयान दे दें, और सिर्फ इसलिए दे दें कि इमरान खान बयान दे रहे हैं तो वो भी इनके खिलाफ दे दें? ये कोई तरीकाकार नहीं है ना। आपका किसी से फड्डा है और आपने मौके पे बताया है, फिर फड्डा बनता है कि ये वो दो लोग हैं जिन्होंने ये सारा काम किया, उन्होंने अपने लोगों को चढ़ाया, अंगेख्त किया, नहीं किया। सियासत का फ़र्क यह है, जारी साहब के साथ क्या हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, निकाला गया, उन्होंने चमक का लफ्ज़ यूज़ किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अदलिया के ऊपर, हर बंदे ने इस्तारा इस्तेमाल किया। जब नवाज शरीफ साहब को 5 जजों ने निकाला, उन्होंने कहा ये 5 मुअज़्ज़िज़ लोग, जीटी रोड पे जो उनका बयानिया था। आज सब चीज़ें सबकी खुल के आ गई हैं कि कौन कब क्या किरदार अदा कर रहा था। आज जो फड्डा है वो है कि जी खान साहब जो सियासत कर रहे हैं, उन्होंने रियासत के साथ लड़ाई लड़ी और अब रियासत से ही रास्ता लेना है। उन्होंने कोई टीम ऐसी नहीं तैयार करके दी, यानी गौहर साहब को जब उन्होंने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाया और उसके बाद उनका जर्नलिस्टों के साथ एक मुलाकात हुई और वहाँ पे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को फिर लताड़ दिया। क्या इन तमाम बातों के करने के बाद पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? मैं भी डेप्थ में नहीं जाता कि उसके बाद जो कुछ हुआ, फिर मियां साहब ने कैसे कैसे चीजों को मैनेज किया, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के आवाम के मसाइल आपको लगता है कि सिर्फ ये बातें करने से हल हो जाए? पाकिस्तान के मसाइल सारी कुव्वतों के, सारी कुव्वतों में सियासी कुव्वत, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, सिविल ब्यूरोक्रेसी और मीडिया, इन सब के बैठने से, मामलात को तय करने से हल हो सकते हैं। अदरवाइज हम एक सर्कल में हैं जब से बनाया, और हर इलेक्शन उसी तरह होता है, सिर्फ कुछ ना कुछ नई चीज नहीं आएगी। नेशनल डायलॉग वो और वो होगा इलेक्शन के बाद, और तमाम इंस्टीट्यूशंस को बैठ के इस मसले को हल करना होगा ताकि फ्यूचर का। अब मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। चांदी साहब मुझे ये बताइएगा कि जलसों में हमने देखा कि बिलावल साहब ने भी लाडला लाडला प्लस नारा लगा के ही काम चलाया। सिंध हुकूमत बेहतर होता कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की बेस पर वो लोगों को बताते कि देखें मैंने ये चीजें की हैं, मैं वफाक में आऊंगा तो ये चीजें करूंगा। उन्होंने कहा जी देखें पहले एक था अब दूसरे को बना दिया गया, और ये सब तमाम चीजें आवाम के मसाइल तो इन बातों से हल नहीं होने ना। आपको हक पहुंचता है तजिया करने का, जैसे आपको सूरत नजर आएगी आप कहेंगे इसमें आप हक में जानब है। पहली बात तो मेरे भाई ने कोरोना की बात की है कि कोरोना में खान साहब ने कमाल किया। खान साहब ने कुछ कमाल नहीं किया, पहले दिनों में वो बिल्कुल ही जिस रास्ते पे थे पूरी दुनिया तनकीद कर रही थी कि इस तरीके से तो कोरोना खत्म नहीं होगी, बढ़ेगी। और जो उसूल सिंध में अपनाए गए, सिंध के वजीर आला ने जिसपे स्टैंड लिया, जिसके सिंध पे वजीर आला ने बातें की, वही कबूल किया गया, वही लॉकडाउन किया गया। पहले खान साहब ने नहीं किया, आप दुरुस्त कह रहे थे जो मेरे भाई बोल रहे थे, इन्होंने लॉकडाउन की बातें तो बाद में की जब नामुकम्मल। मैंने चांदी साहब शुरू में कहा ना कि शुरू में इनको नहीं समझ आ रहा था, उसके बाद जाकर इन्होंने लॉकडाउन पर आया और फिर जाकर चीजें समझ लिया। मैंने भी ये बात कही है और उसके बाद बेहतर हुआ चीजें नहीं आ रहा है। अच्छा आपने बात की बातें, तो भाई जब बातों की बारिश पड़ रही होगी तो हम भी बातों की बारिश में भीगेंगे तो जरूर। ऐसे तो नहीं है कि लोग बातें करेंगे हमसे सवाल पूछेंगे हम जवाब नहीं देंगे, ऐसे मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कहना कि हमने कुछ किया नहीं इन सालों में, ये ज्यादती होगी। बातों को मैं मान रहा हूं कि हम बातों की बारिश में भीगे, लेकिन हमने काम भी किया है। पंजाब हुकूमत ने वो नहीं किया, एक इदारा एनआईसीबी का जो बिलावल साहब ने बनवाया, इसमें ऐसी मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं है। आप देखिए जो हॉस्पिटल बनाई है गंबट में, एक मिसाल नहीं है। आप देखिए पूरी अब थर पार्कर में जो शाहराहें बनाई गई है, इसकी एक मिसाल नहीं। आप चांदी साहब कि आप लोग ये कह रहे थे कि पहले आप मेरे ख्याल इसका जवाब दे दें कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई। नहीं देखिए बात एक शामिल होने के माहौल बनाकर उसकी बात करने के लिए मुकम्मल तौर पर रवैये की बात है।
जिस अंदाज से मियां साहब गए, मैं पहली बात तो वजाहत करना चाहता हूँ, मियां साहब को दोबारा जेल में जाने का देखने की मुझे हसरत नहीं है, न मैं उनकी जिंदगी का कोई दुश्मन हूँ, अल्लाह उनको इज्जत दे, उनकी जिंदगी दे, लेकिन बात सियासी कहता हूँ, क्यों हम कह रहे हैं कि हमें नहीं है वो हैसियत, गए किस हैसियत में, कैदी की हैसियत में, वो मिन्नतें करके जान, भाई बीमारी इतनी बड़ी है मियां साहब को जाना चाहिए, नहीं तो खतरा हो जाएगा जिंदगी को, और गए तो वहां खतरा वतरा तो कोई बीमारी नहीं थी, खैर चलो कम से कम वैसे कैदी बनकर नहीं आते, लेकिन कुछ तब्दीली तो आती है, आप उनको उसी अंदाज से भी आईपी तरीके से आप ले आए एयरपोर्ट पे, सारी कागजी कार्रवाइयां की है, बात तो बनती है, हमारे साथ कब हुआ है? नज़रीन अज़र सदीक ने बिल्कुल ठीक कहा कि नवाज शरीफ आज भी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर इक्तदार की कुर्सी पर बैठने की ख्वाहिशमंद है, क्योंकि अवाम नवाज शरीफ को रिजेक्ट कर चुकी है और नून लीग मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, मगर इक्तदार की हवस में आज भी नून लीग पीटीआई पर क्रैक डाउन करवा रही है ताकि इमरान खान को इक्तदार में आने से रोका जा सके, जबकि अवाम इस टाइम इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान को ही नेक्स्ट वज़ीर आज़म देखना चाहती है। नाज़रीन आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।